आ जा रही बेटा। यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। ठीक है, आपको अच्छा लगा मार्क्स देके, प्रैक्टिस अच्छा की हो, ठीक है ना। तो सीएसआर के अलावा कौन कौन सा टारगेट कर रहे हो? क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं ना, जी सर, वो उससे बच्चे कई एंट्रेंस निकाल लेते हैं आराम से। डीबीटी निकाल चुके हैं, आईसीएमआर निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो काफी कोर्सेस निकाल चुके हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप तो जी सर, टारगेट लेकिन किस चीज का कर रहे हो? अगर सीएसआर के कर रहे हो तो सब निकल जाए, है ना। हाँ सर मैं CSIR नेट और गेट दोनों को मेन देख रहा हूँ। ठीक है, लाइफ साइंसेज ना, जी सर, ठीक है। तो ये निकल जाएगा बेटा, आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा और जो जी सर, समझाई जा रही चीजें उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें कोई जी सर, लापरवाही नहीं होगी, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम पे अगर टाइम दोगे तो कम टाइम में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आपके सामने आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करके चले जाओ, जी ठीक है सर, ना। हाँ, तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, निकल भी जाएगा। और सारी 6 महीने मान के चलो कि 6-7 महीने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी। तो आज का लेक्चर है, टुडेज लेक्चर इज रिगार्डिंग। इंग्लिश में दिक्कत तो नहीं है? बिकॉज नहीं मोस्ट मोस्ट ऑफ द टर्मिनोलॉजी आर इन इंग्लिश, सो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे, ओके। तो अगर आप देखोगे, जी। मैं दिखा देता हूँ कि काफी क्वेश्चन इससे सीएसआर में आ रहे हैं, ठीक है, काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको मतलब मिस नहीं करना है। सो वी आर जी गोइंग सर, टू स्टडी द, ये सिलेबस है आपका, पार्ट सी है यूनिट 1 का, जिसमें कि वी हैव टू स्टडी द स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन, वंडरवॉल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक। तो कल आप अगर क्लास किए होंगे तो कल मैंने बहुत सारा कुछ कवर किया था, ठीक है ना। जी तो सर, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे पता लग जाएगा कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है, हमें आता कितना है सब, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनफेवरेबल फॉर प्रोटीन फोल्डिंग? कौन सा इंट्रैक्शन है जो प्रोटीन फोल्डिंग के लिए बिल्कुल करेक्ट नहीं है? जैसे कि इसका कंफर्मेशनल एंट्रोपी होगा क्या सर जी? हाँ, कंफर्मेशनल एंट्रोपी, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवॉल इंट्रैक्शन, हाइड्रोफोबिक, ये सारे प्रोटीन फोल्डिंग होते हैं। कंफर्मेशनल एंट्रोपी कहीं से इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक ना। जी अच्छा, इसमें जो बताओ, विच वन इज नॉन पोलर? जैसे ऑक्सीजन, कैसे? नहीं, ऑक्सीजन वाटर, CO2 नॉन पोलर नहीं होगा? फिर हाँ होगा सर जी। नाइट्रोजन? जी हेलो सबा, आई एम ऑडिबल? सर, मेरे साथ हमारी स्टूडेंट हैं सबा, एंड लास्ट टाइम सिर्फ उनका 1 मार्क्स से रह गया था सर JRF में, ओनली 1 मार्क्स इन जनरल कैटेगरी, ठीक है। ये बात आपको नहीं पता होगी, तो मैंने सिर्फ बता दी, ठीक है। ठीक है, तो बच्चे काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी हार्डवर्क कर रहे हैं, हार्डवर्क के अलावा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो सबा, वुड यू लाइक टू आंसर, विच वन इज नॉन पोलर? नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बना के ही सॉल्व कर सकते हो ना। एज सुन एज द क्वेश्चन इज गिवन स्टार्टेड राइटिंग। CO2 क्या लिख सकते हो? ऐसे। ऑक्सीजन ऐसे, नाइट्रोजन ऐसे, राइट। तो ये भी यस नॉन पोलर हो गया, क्योंकि इक्वल
फोर्स लग रहा है एंड ओवरऑल इफेक्ट इज 10 सेल्स सो नॉन पोलर. ऑक्सीजन ऑलरेडी होमोजीनियस मॉलिक्यूल है, तो मैंने बताया था कि जितने भी होमोजीनियस मॉलिक्यूल होंगे सभी नॉन पोलर होंगे, जैसे हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया नॉन पोलर. तो इसमें कौन सा नॉन पोलर है, सारे हैं, ऑल इज नॉन पोलर, ठीक है, करेक्ट. क्यों? अच्छा अच्छा ओके ओके ठीक है बेटा, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आप देख लेना, ठीक है. नो इसे सो व्हाट इज द फीचर ऑफ नॉन पोलर टेल मी. नॉन पोलर के फीचर्स क्या हैं? दे आर पुअरली सॉल्युबल इन वाटर, राइट, सॉल्युबल होंगे नहीं वाटर में. सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ सपोज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है टेल मी, नॉन पोलर. फिश कहां रहती है? फिश लिव्स इन टेल मी पॉन्ड्स. आवाज आ रही मेरी? ठीक है सर. यस सर. फिश पॉन्ड्स में रहती है, तो बताओ ऑक्सीजन कैसे लेती है वो, जब ऑक्सीजन नॉन पोलर है एंड नॉन पोलर आर पुअरली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, जब ये सॉल्युबल ही नहीं है तो हाउ फिश इज कंज्यूमिंग ऑक्सीजन, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो मर जाएगी. जी सर. और वही हाल हमारा भी होगा कि ऑक्सीजन नॉन पोलर है तो हम भी कैसे लेंगे, है ना, इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, कुछ इंप्लीकेशन है ना भाई. CO2 भी नॉन पोलर है जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का. इफ दे आर, क्वेश्चन इज दैट कि इफ दे आर नॉन पोलर हाउ दे आर ट्रांसपोर्टिंग योर बॉडी, क्योंकि दे आर पोअरली सॉल्युबल इन वाटर, तो वाटर में तो सॉल्युबल ही नहीं, तुम कह रहे हो ब्लड में सॉल्युबल है, तो कैसे होगा ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा, तो बड़ा मुश्किल होगा, लाइफ विल बी इन डेंजर. तो व्हाट इज योर आंसर, इसका आंसर क्या होगा? सोचो सोचो. नहीं आइडिया? नो आइडिया. सर जी, जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो हमारे बॉडी में वो मतलब एक होगा क्लोराइड शिफ्ट होता है, उसके थ्रू होगा क्लोराइड शिफ्ट और क्लोराइड रिजर्व शिफ्ट रिवर्स शिफ्ट, उसमें जो क्या बोलते हैं जो क्लोराइड रिजर्व शिफ्ट में जैसे जो क्या बोलते हैं उसको सर, थोड़ा वो वर्ड्स नहीं आ रहा है. ये जो तुम बता रहे हो ये पार्शियली करेक्ट है, ठीक है ना, दिस इज पार्शियली करेक्ट. अभी एनरोल क्यों नहीं किया, कोई दिक्कत आ रही तो बताओ, एनरोल कर लो, फीस भी कम है काफी, है ना. जी सर. अभी तो 5400 ही देना है, बाद में $5000 भी देना. टेस्ट दिया था कि नहीं? अभी तो ज्वाइन नहीं किया सर जी, अभी थोड़ा इधर दिक्कत चल रही इसीलिए. चलो 1000-2000 दे के ज्वाइन कर लो, मतलब एनरोल तो कर दो यार. जी ना, एनरोल करके अपना बाकी जो टोटल जितना बनेगी वो हम मैसेज कर देंगे आपको. टेस्ट लेकिन देना पड़ेगा, टेस्ट दे दो एक बार, ठीक है, तो थोड़ा रिबेट भी मिल जाता है ना टेस्ट, जो 15000 फीस है, 15222 ये पड़ जाती है आपको टेस्ट देने के बाद, 10,500 करीब पड़ जाती है, ठीक है ना. जी सर. चाहे जो भी नंबर आए डिस्काउंट आपको मिल ही जाता है. तो जैसे 5400 से लेते हैं कि 3000 तो एडमिशन फीस है और 2400 है टेस्ट का, वो तो कंपलसरी है, बिना इसके तो कंटिन्यू होता नहीं है. चलो इसमें मान लो दिक्कत है तो 2000 एटलीस्ट दे दो, बाकी 3200 दे देना नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मंथ में. जी सर. बाकी जो 5000 बचेगा वो फिर और किसी मंथ में मैनेज कर देना, या तो 2000 करके दे दो, है ना, या तो 1500 वाली स्कीम है फिर मंथली स्कीम ले लो, उसमें आपको इकट्ठे कुछ नहीं देना है,
₹1500 महीने देना है 12 मंथ तक, ठीक है, वो भी कर सकते हो। और मजेदार पढ़ाई होगी, कंटिन्यू होगी, नोट्स देंगे, रिकॉर्डिंग देंगे, डिस्कशन होगा, पीवाईक्यू देख रहे हो, मतलब ये डिस्कशन ही है पार्ट, ये याद हो जाना है। अब इतना अगर कोई टीचर मेहनत करता है, आप भी अगर कहीं मेहनत करोगे, एक्सपेक्ट करोगे ना भाई कि हमें मेरा मजदूरी मिले है कि नहीं, तो हम लोग भी मजदूर ही है, जो आप फिर करोगे फिर वो आप मिलता है। तो ये आपने पैसे दे के पढ़ाई की है तो आपको क्वालिटी का लेक्चर मिला, आपका कंपटीशन निकला, फिर आप आगे कैरियर अपना बनाते हो, यही सिस्टम है ना, ठीक है भैया। चलो तो इसमें बता दें कि ये फैक्ट है कि दे आर ऑल पोअरली सॉल्युबल इन वाटर, इसीलिए हमको हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है, राइट। अगर हीमोग्लोबिन ना हो या मायोग्लोबिन ना हो तो ऑल दीज नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी, ठीक है। तो आपने जो बोल रहे थे क्लोराइड शिफ्ट वगैरह, वो अलग चीज है, वो बिल्कुल अलग चीज है, वो बताऊंगा, वो कहीं से इसका लेना देना नहीं। तो वाई हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन इसलिए कि ये दोनों वाटर सॉल्युबल है ना, ये वाटर सॉल्युबल है, तो ये पुअरली सॉल्युबल इन वाटर होता है, लेकिन मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में एक कंपोनेंट होता है जो ऑक्सीजन को अच्छे से कैच कर सकता है, दैट इज आयरन, यू नो, बोथ हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन कंटेन्स व्हाट, आयरन, राइट, आयरन, हाँ, इफ आर रिमूविंग द आयरन दे विल हैव वेरी लिमिटेड कैपेसिटी टू कैप्चर द ऑक्सीजन। सो व्हाट इज द पर्पस, हाउ दे आर कैरीड इन आवर बॉडी, द फर्स्ट प्रॉब्लम वॉज सॉल्व बाई इवोल्यूशन ऑफ hemoglobin or myoglobin in our body. That's why it is written transported by water soluble carrier protein myo and hemoglobin. Okay. Next problem is that how COT is transported. COT never directly transported or going to bind with the hemoglobin. What is the mode of their transport? COT is transported first as they become soluble in water, forming the bicarbonate. ये पूछा हुआ है CSIR में, ठीक है? CO2 is transported in the form of carbonic acid, bicarbonate or carbonate, ठीक है? तो these two formats are there in which CO2 can be transported. याद कर लो, नोट्स लिख रहे हो ना? Yes, नोट्स लिखते रहो, कॉपी एंड पेन शुड बी विद यू, दिखाओ मुझे कहाँ पे अपना वीडियो भी चाहे तो थोड़ी देर के लिए ऑन कर लो, उससे ना थोड़ा कनेक्टिविटी बनती है, जैसे क्लास में लगता है बैठे हुए, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। यस सर, तो अपना नोट्स अगर बिल्कुल प्रॉपर बता रहा हूँ, कॉपी लेके बैठो, ये सारी बातें नोट करो, क्योंकि वंस यू फॉरगेट देन यू कैन नॉट रिमेम्बर, एग्जाम में आ गया फिर पालो, इतना रिविजन करो है ना, लिखोगे तभी तो रिवाइज करो। ठीक है, चले आगे चले। जी सर, ये नोट कर लो, बाइकार्बोनेट HCO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है ना, CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड फार्मूला एस टू लिख लो सीओ थ्री, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट एच सीओ थ्री, ठीक है ना। वाई नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर नॉट इजिली ट्रांसपोर्टेड इन योर बॉडी, बिकॉज दे आर नॉट सॉल्युबल इन वॉटर एंड दे नीड वॉटर सॉल्युबल कैरियर प्रोटीन। What is the name of carrier protein in our body? Myoglobin and hemoglobin. These are the two carrier protein in our body which are responsible for carrying the non-polar molecule like CO2, oxygen and nitrogen. Nitrogen. Why you are saying they are non-polar? Because there is no potential difference, an electrical difference. They are having the same charge. Right,
सो पोलैरिटी कैन नॉट बी इंड्यूस्ड. पोलैरिटी मीन्स वन शुड बी प्लस वन शुड बी माइनस. सो बिकॉज दे आर होमोजीनियस सो दे हैव द सेम चार्ज राइट. एंड इन द CO2 दिस इज आस्क्ड, ये CO2 पर पूछा गया था सीएसआईआर में कि हाउ CO2 इज नॉन पोलर. ये लगने में तो देखे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग है ना, लेकिन इनका जो नॉन पोलर होने का रीजन है व्हाट इज दैट, क्या बोलोगे इसके बारे में, क्यों ये नॉन पोलर होता है? इसका रीजन ये है कि द पुलिंग इफेक्ट इज अपोजिट टू ईच अदर एंड दे आर कैंसिल्ड, ओवरऑल दे आर कैंसिल्ड. दैट्स व्हाई दिस इज द ओनली मॉलिक्यूल विच इज नॉन पोलर. अगर दूसरा कोई होता तो वो पोलर हो जाता, जैसे अभी हम पोलर की बात करते हैं. चलो बताओ विच वन इज पोलर आउट ऑफ NH3, H2S, NO या कोई भी नहीं, या ऑल है, व्हाट इज योर आंसर? NH3 का फॉर्मूला क्या होगा? NH3, ठीक है. इसी तरह H2S, दो ये हो गया, NO का ये हो गया, तो विच वन इज पोलर. चलो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहां पे तो पोलैरिटी आ जाएगी, यहां भी पोलैरिटी आ जाएगी, यहां भी पोलैरिटी आ जाएगी. सो ऑल मॉलिक्यूल इज ऑल इज पोलर. अगर पोलर है तो देन दे कैन इजिली डिजॉल्व इन वॉटर, इजिली डिजॉल्व इन वॉटर, वॉटर, ठीक है ना. तो यू कैन सी इन द लोअर ऑर्गेनिज्म, lower microbes or organism, they are easily transported in body. They don't need carrier protein to be carried out. Okay, they can be yes, sir. easily transported. Easily transported. In the body. While in higher eukaryotes, वहां भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इजीली, है ना, बट लोअर माइक्रोब के लिए बेटर था. तो यूकेरियोट की इवोल्यूशन ही हुआ नॉन पोलर मार्केट से, बिकॉज फिर ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, उससे थोड़ा सर्वाइवल इजी हो गया हायर ऑर्गेनिज्म. अभी अच्छा लग रहा है ना ऐसे क्वेश्चन का, ये हमने कर ही लिया. चलो टेल मी द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दैट कैन फॉर्म बिटवीन H2N एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. ये पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, कल भी पढ़ाया था. नाइट्रोजन कैन फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड, तो कितना नाइट्रोजन है? दो. तो टोटल कितना हो गया? फोर. फोर यही सब ट्रिक तो दिया जाता है कोचिंग में, क्या दिया जाता है, यही सब ट्रिक दिया जाता है. नाइट्रोजन है तो दो, ठीक है. कार्बन चार, ऐसे सब करके लिखवाया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोल्डेड प्रोटीन, फोल्डेड प्रोटीन के लिए कौन सा एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है? चार्ज अमीनो एसिड साइड चेन आर बरीड, चार्ज अमीनो एसिड साइड चेन सेल्डम बरीड, नॉन पोलर अमीनो एसिड साइड चेन आर सेल्डम बरीड, टायरोसिन रेसिड्यू आर ऑलवेज बरीड. क्वेश्चन घुमा के पूछा है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का क्वेश्चन है ये. इसका सी होगा कैसे? क्यों सी क्यों होगा? नॉन पोलर अमीनो एसिड साइड चेन और सेल्डम बरी, एक्सप्लेन भी करो ना कि क्यों होगा, ऐसे तो लगेगा ना तुक्का मारा आपने. इसमें पहला सेंटेंस क्या लिख रहा है? चार्ज अमीनो एसिड साइड चेन और ऑलवेज बरी. कॉन्सेप्ट क्या है? देर आर टू थिंग्स, नॉन पोलर एंड पोलर, ठीक है. व्हेन यू आर डिजॉल्विंग इन वॉटर, तो विच वन इज गोइंग टू डिजॉल्व इन वॉटर? पोलर. पोलर. नॉन पोलर विल नॉट डिजॉल्व इन वॉटर. वॉटर. तो जब डिजॉल्व नहीं होगा तो नॉन पोलर विल बी इन द सेंटर. सेंटर में कौन होगा?
नॉन पोलर, पेरिफेरी में कौन होगा पोलर, पोलर। यहाँ पे क्या लिख रहा है, चार्ज अमीनो एसिड और ऑलवेज बरीड, ये गलत है, बरीड होता नहीं, ये तो सरफेस पे होता है। दूसरा कह रहा है चार्ज अमीनो एसिड साइड चेन और सेल्डम बरीड, ठीक है ये सही लग रहा है। नॉन पोलर अमीनो एसिड साइड चेन और सेल्डम बरीड, नॉन पोलर तो सेंटर में आता है ना, यानी वो बरीड होता है, यानी ये भी सेंटेंस गलत है। टायरोसिन रेसिड्यू और ऑलवेज बरीड, टायरोसिन कभी भी बरीड नहीं होगा क्योंकि ये पोलर है। जी सर, कौन सा आंसर सही है, बी। क्यों बी सही है सर? जो नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर जो प्रोटीन बन रहता है तो उसमें जो नॉन पोलर रहता है वो वाटर में इनसॉल्युबल रहता है, जिसके कारण वो बीच में रहता है, बीच में जाएगा यानी बरीड होगा, है ना। यहाँ पे लेकिन लिख रहा है कि चार्ज अमीनो एसिड चार्ज अमीनो एसिड तो सेल्डम बरीड होगा यानी सरफेस पर रहेगा, ठीक है जी सर। आगे बात नहीं, देखो ऐसे घुमा के पूछा हुआ है तो चांसेस होते हैं कि काफी गलत होने के, अगर प्रैक्टिस टीचर नहीं कराएगा। टीचर आपको क्या करता है, सही जगह बताता है, यहाँ पे करो ऐसे करो वैसे करो, आप काफी टाइम बचा देता है, मतलब जल्दी सिलेक्शन इसीलिए होता है। अब आप बहुत सारे बच्चे खुद से पढ़ते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम आती है, उनको पता ही नहीं लगता गलती कहाँ कर रहे हैं, वो बार बार वही मिस्टेक करते हैं, सालों साल करते हैं, उसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं। आज का जमाना बहुत स्पीड से दौड़ रहा है, आजकल उन बच्चों का सिलेक्शन होता ही नहीं जो घर से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं का होता है जो कहीं कहीं लगे हुए हैं, क्योंकि टीचर उनके लिए मेहनत कर रहा है, टीचर उनको क्वेश्चन निकालता है ना। अब जैसे एक घंटे में आप देखो तो कितने क्वेश्चन हमने निकाल के आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, आप पूरे दिन में उतना नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना जी सर। तो ये फर्क होता है। और आजकल देखो क्लास टेंथ की और ट्वेल्थ की फीस है 2000 रुपये पर सब्जेक्ट, है ना, हम तो आपसे 1500 रुपये बोल रहे हैं, है ना, तो वो कोई ज्यादा नहीं है, इतना मेहनत का बनता ही है। और आदमी चलो कैरेंटी ऑफ डीएनए इज ड्यू टू, कैरेंटी किस वजह से, डीऑक्सीराइबोस, क्यों डीऑक्सीराइबोस सर? इसमें जो क्या बोलते हैं जो सुगर डीएनए जो आने सुगर फॉर्म करते हैं ना, जो क्या बोलते हैं जो डीऑक्सीराइबोस है, ठीक है ना, पूछ रहा है कायरल्टी, कायरल्टी मतलब क्या होता है, कार्बन डिफरेंट ग्रुप से मतलब घिरा हुआ, हाँ डिफरेंट ग्रुप हो तो सेंटर में कौन है, यहाँ बताओ डीएनए में सेंटर में कौन है, बेस हो गया ना जी, बेस के चारों तरफ से ये हो गया, सुगर हो गया, फॉस्फेट हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया, नहीं पहला बेस है जी सर, ये है क्या सेंटर में, कैरेंटी में सेंटर कार्बन पहले पता करते हैं ना, इसके बाद डिफरेंट ग्रुप आएगा ए बी सी, ठीक है चलो एक्स मान लो, तो सेंटर में पहले पता करना, सेंटर बेस स्टैकिंग है, बेसिस चेकिंग भी नहीं है, बेसिस भी नहीं है, चलो दो कट गया। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेसिस, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो घूमने ही नहीं देगा, कायरल्टी की बात ही खत्म हो गई, तो फाइनली बचा डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस सेंटर में अगर मान लो तो इधर बी हो गया बेस, एक नंबर दे दो इसको, हाइड्रोजन को दो नंबर, तीन नंबर पीओ को दे दो और चौथा नंबर पीओ फॉस्फेट है पीओ फोर, ठीक है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन है फिर पी है तो एस्टर बॉन्ड है, तो चार ग्रुप हो गए डिफरेंट, तो सेंटर में क्या आ गया डीऑक्सी राइबोस, आंसर आपको पता होगा लेकिन रीजन पता हो जाएगा तो फिर कितना भी घुमा के बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि सेम रिपीट नहीं होता सर, आपको पता होगा ये बात, घुमा के पूछिए सर, घुमा के पूछेंगे तो आप पास कर लेंगे, ठीक है जी। चलो बताओ ये प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म एज फॉलोज, डोनर कल ये प्रैक्टिस कराया था, डोनर डी एच एक्सेप्टर, हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर फेवरेबल इफ द एंगल बिटवीन डी एच एंड ए इज, हाइड्रोजन सबसे अच्छा कहां बनेगा इस एंगल पे, लेस देन 90 180 ग्रेटर देन 180 और 140, चार ऑप्शन स्ट्रेट मिलेगा सर जी, 180 वन, वेरी गुड,
कल आपने क्लास अच्छा इस ध्यान से किया हुआ है, ठीक है ना? जी सर, ये कराया, ठीक। चलो अब ये कर नहीं पाओगे लेकिन घर से करके लाना होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेक्शन सी का क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ऑफ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स वाज मेजर्ड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या कह रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन का मेजर किया है, ठीक है ना, टू नॉन बॉन्डेड एटम ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स। अब इसमें के आता है 100 मोल, ठीक है ना, 100 पर मोल। तो कह रहा है कितना होगा स्ट्रेंथ ऑफ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन इन टर्म ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। कर लोगे ये? अगर क्लास डिस्कनेक्ट होती है तो आप दोबारा ज्वाइन कर लेना। ये घर से करना पड़ेगा तुम्हें, इसका क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है जी सर? आप कर लेना। चलो ये कराया वंडरवॉल। इन वंडरवॉल इंटरेक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय फॉलोइंग रिलेशन। डेल्टा जी बैंड ए आर 12 माइनस बी अपन आर 6 प्लस क्यूएन के 2 बाई आर, ठीक है। कह रहे हैं डेल्टा जी वैन क्या है? फ्री एनर्जी ऑफ वंडरवॉल इंटरेक्शन एन बी आर कॉन्स्टेंट आर इज द डिस्टेंस, है ना, बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम 1 और 2 क्यू एन के 2 और पार्शियल चार्ज। इन दिस रिलेशन द पैरामीटर ए डिस्क्राइब। पैरामीटर ए क्या है? ये बी कहती है ना कॉन्स्टेंट है, तो ये कुछ होगा ना, इस पर 12 पे डिस्टेंस है, बी कुछ होगा फिर 6 पे डिस्टेंस है। ये डिस्कस किया हुआ मैंने, आर याद होगा आपको, एक टेबल दिया था जिसमें आर का, हाँ वो था आर 6 आर 12 आर 2 आर 3 ऐसे। इसमें पूछा कि आर के बेसिस पे कि ए क्या होगा, आर 12 है तो ए क्या होगा, आर 6 है तो बी क्या होगा। सर वो स्टेरिक रिपल्शन होगा क्या? इसमें चार ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन सेल अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन सेल रिपल्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल रिपल्शन। तो दूर है तो आर 12 है ना? हाँ आर 12 है, आर 12 आर 6 ये वंडरवाल का है, तो वंडरवाल के केस में थोड़ा अपोजिट हो जाता है। वंडरवाल में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल बिल्कुल क्लोज में होते हैं तब उनमें अट्रैक्शन होता है, जब वो दूर चले जाते हैं आर 12 जैसे तो क्या होना चाहिए, रिपल्शन। ये पूछ रहे किस तरह के रिपल्शन होंगे। चलो दो ऑप्शन कट गए आपको अट्रैक्शन वाले, ठीक है। अब ये रिपल्शन हो गया, दो ऑप्शन में क्या है, इलेक्ट्रॉन सेल या डाइपोल डाइपोल। तो इलेक्ट्रॉन सेल तो तब बनेगा जब आयन होंगे, आयन है नहीं, ये तो एटॉमिक रेडियाई है ना, तो ये एटॉमिक रेडियाई हमेशा देते हैं डाइपोल डाइपोल। देखो बिना सॉल्व किए हो गया, है ना, थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ी चीजें करी, हो गया क्लियर, ठीक है जी सर, है ना, मजा आ रहा है ना अच्छे से जी सर। यस चलो थोड़ा रिवीजन करा दे, पोलैरिटी हो गई, सॉल्विटी हो गई, काफी कुछ करा दिया। एक रिवीजन आपको दिखा देते हैं, डेटा दिखा देते हैं, डेटा मैंने इकट्ठा किया है जिसमें कि ये दिखा दिया है कि हाउ द, हाँ देखो नाइट्रोजन क्या है, नॉन पोलर, राइट, नॉन पोलर, यस सर। इसकी सॉल्विटी देखो कितना कम है वाटर में, बहुत ही कम है, 0.01 है, ठीक है। ऑक्सीजन देखो 0.035, कार्बन डाइऑक्साइड 0.97, यानी ये तीनों नॉन पोलर है, देखा प्रूफ के साथ दिया। अमोनिया पोलर, इसकी सॉल्विटी बढ़ गई 10 डिग्री सेंटीग्रेड पी 900 ग्राम पर लीटर, और हाइड्रोजन सल्फाइड पोलर है ये भी, इसकी सॉल्विटी को बढ़ गई, ठीक है। अच्छा चलो एक चीज बताओ, मान लो हमने शुगर और वाटर मिला दिया, क्या बनेगा? व्हेन आई एम मिक्सिंग शुगर प्लस वाटर, व्हाट विल फॉर्म, क्या बोलोगे इसको, सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन बनेगा तो देन सॉल्यूशन की डेल्टा जी क्या होगी, चार ऑप्शन है, प्लस पॉजिटिव, बी न्यूट्रल, सी नेगेटिव, डी इनफाइनाइट।
कोई भी दिक्कत हो तो इमीडिएटली पूछना, ठीक है ना, कोई भी चीज ना समझना हमेशा किसी भी टाइम पूछ सकते हो, कॉल करके, व्हाट्सएप करके, जैसे भी, है ना। और तभी इंटरेस्ट बनेगा जब आपको सलूशन आने लगेगा, जब आपको आंसर आने लगेगा, क्योंकि बच्चा जब फंस जाता है फिर उसका दिल टूट जाता है कि यार समझ ही नहीं आ रही, है ना जी सर। तो ये काम नहीं करना, इमीडिएटली आपको पूछना। ठीक बात है जी सर। ट्राई कर, सर क्या होगा? सर इसका शायद सेम होगा, जीरो 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 नहीं होगा। हाँ। कभी भी अगर कोई रिएक्शन पॉसिबल होता है तो डेल्टा जी निगेटिव होगी, तभी होगा डेल्टा जी। यहाँ पे लिखा हुआ सोल्यूशन डेल्टा जी ऑलवेज निगेटिव, ठीक है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी? ये डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा। तो ये पूरा चैप्टर ये बायोएनर्जेटिक्स का, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेबिलिटी की बात हो रही है। हमने कहा हो सकता है सीएसआर में क्वेश्चन पूछ दे कि जब कोई चीज डिजोल्व करते, मान लो ऑक्सीजन को बोल सकते हैं वाटर में डिजोल्व कर, या अमोनिया को डिजोल्व करें, या एस्ट्रेस को डिजोल्व कर, तो उसका डेल्टा जी हमेशा निगेटिव होगा, तभी वो डिजोल्व, अगर डिजोल्व होना है, नहीं तो डिजोल्व नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी काफी आता है कि अगर मान लो कोई एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल लेते हैं, राइट, मान लो फॉस्फोलिपिड लिया, फॉस्फोलिपिड इज ए एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, यानी दे कंटेन्स बोथ पोलर एंड नॉन पोलर, नॉन पोलर एंड्स, ठीक है ना। जो पोलर एंड नॉन पोलर एंड्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज द एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। अगर इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये पूछा वैसे सर, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल डिजोल्व इन वाटर, देन व्हाट विल हैपन? चार ऑप्शन है, लाइकोसोम फॉर्मेशन, मिसेली फॉर्मेशन, डबल लेयर मेम्ब्रेन, डबल लेयर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, डी ऑल। है ना, अच्छा क्वेश्चन। अगर फॉस्फोलिपिड को आप डिजॉल्व करो वाटर में, अब हॉस्टल में रहते क्या बेटा? यस सर, हॉस्टल में रहता हूँ। कहाँ पे? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर। अच्छा अच्छा बिलासपुर। तुम्हारे और भी क्लास के बच्चे होंगे, उनको भी इन्वॉल्व करो तो फिर डिस्कशन का मजा भी आएगा, जी सर। उनको भी मोटिवेट करो, एक ग्रुप बन जाएगा। मान लो हमारी पढ़ाई तो 1 घंटे की होती है, 2 घंटे की होती है, लेकिन वो तो आपके साथ हमेशा रहेंगे, तो कुछ नए नए आइडियाज वो भी पढ़ेंगे, है ना। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन से ज्यादा नॉलेज होती है, और मजा भी आएगा। कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है, और पढ़ना ही है उनको, एग्जाम देने ही से, है ना। हम लोग जाते थे पूरा ग्रुप लेके जाते थे, भाई 10-15 का, ठीक है, उससे टीचर के साथ मजा भी आता था। तो अगर ऐसा करते हो कि आपके साथ 10-15 बच्चे अगर ज्वाइन करते हैं, मान लो 5वीं बच्चे ज्वाइन करते हैं, तो आपके लिए एग्जाम के जस्ट 1 महीने पहले हम फ्री ऑफलाइन क्लास रिवीजन पे चला देंगे, ठीक है ना जी सर। हाँ, उसी फीस में, विदाउट एक्स्ट्रा फीस, सारे बच्चे। इसके 2 फेज में पार्सिएशन हो जाएगा ना?
कोशिश करो, लाइकोसोम मिसेली डबल लेयर मेम्ब्रेन और ऑल इस ऑल लग रहे सर जी मुझे। कैसे मेम्ब्रेन कैसे बने? लाइकोसोम मिसेली चलो बन जाएगा, मेम्ब्रेन कैसे बनेगा? एक क्वेश्चन इसका बी वाला भी सही लग रहा है, और जो इसमें जो क्या बोलते हैं उसको ये सीएसआर का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, 2018 मेम्ब्रेन कैसे बनेगा भाई तो पूछ रहा हूँ। चलो मान लिया डी, फिर लाइपोसोम और मिसेली में क्या डिफरेंस है? कैसे भी लाइपोसोम और मिसेली में डिफरेंस क्या है, कैसे बनेगा? मान लो एम्बीपैथिक, चलो छोड़ो इसको, डिजॉल्व कर दिए, नॉन पोलर पोलर दोनों है, इसको वाटर में डिजॉल्व कर दिए, देन व्हाट विल हैपन? जी सर उसे डिस्कस करो, छोड़ो इसको, पहले क्या होगा, वाटर एसोसिएट करेगा इसके साथ पोलर मॉलिक्यूल साथ, ठीक है ना, पोलर मॉलिक्यूल जी सर, है ना, अब डिस्पर्शन ऑफ वाटर होगा अराउंड द लिक्विड, ठीक है, लिक्विड के चारों तरफ वाटर का डिस्पर्शन होगा, फिर क्लस्टरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है ना, ये क्लस्टर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल हो रहे हैं, इसमें वाटर बाहर जा रहा है और लिक्विड को सेंटर में फोर्स कर रहा है, ठीक है ना, और जब सेंटर में फोर्स कर दिया तो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर इसलिए बन रहा है टू मिनिमाइज द एनोट्रॉपी, एनोट्रॉपी मतलब रैंडमनेस होता है ना, जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा उतना ज्यादा एनोट्रॉपी होगा। अभी क्या कर रहा है वाटर, क्या कर रहा है एनोट्रॉपी को डिक्रीज करने के लिए, रैंडमनेस को उठाने के लिए इसको सेंटर में फोर्स कर रहा है, तो ये जो फोर्स है इसको पहले तो कहते हैं हाइड्रोफोबिक फोर्स, है ना, ठीक है, एंड सेकेंड वन ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है लिपिड का वो बरीड होगा सेंटर में, और जो पोलर मॉलिक्यूल है वो आ जाएगा आउट आउटर आउटर एरिया, ठीक है ना, इसलिए ये बन जाएगा मिसेली, ठीक है ना। तो मिसेली वर्ड जो होता है दैट शोज की एग्जैक्टली एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल इज क्लस्टरिंग अराउंड द सर्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज मिसेली। तो मिसेली में आप ये देखोगे कि ये फास्फोलिपिड कैसा है, फास्फोलिपिड ऐसे है, अगर एक लेयर का है तब तो मिसेली बनेगा या लाइकोसोम बनेगा, क्योंकि लिपिड बाइलेयर में क्या होता है, दो होता है, दो होना चाहिए, है ना। तो अगर आपसे सिंपल ये पूछा जाता है कि एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल और वाटर को मिक्स कर दें तो पॉसिबिलिटी है सारे की, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई सिंगल लेयर डबल लेयर की बात करी नहीं है, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर है सारा, क्योंकि लाइपोसोम भी बनेगा दैट इज द इन द सेंट्रल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल विल बी बरीड, मिसेली नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज बरीड, डबल लेयर मेम्ब्रेन आल्सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज बरीड एंड पोलर मॉलिक्यूल इज आउटसाइड, सो ऑल थ्री पॉसिबिलिटी आर देयर, एंड व्हाई दिस क्लस्टरिंग इज गोइंग ऑन, क्लस्टरिंग इज गोइंग ऑन टू मिनिमाइज द एनोट्रोपी, सिंपल आंसर। व्हाट इज हाइड्रोपैथी इंडेक्स? हाइड्रोपैथी इंडेक्स मीन हाइड्रोफोबिक, है ना, इफ एनी अमाइनो एसिड और मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफोबिक यू कैन मेजर देयर हाइड्रोफोबिसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिसिटी, ओके, एंड मोस्टली इन द प्रोटीन्स दिस हैज बीन डन बिकॉज मेनी ऑफ द अमाइनो एसिड दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, सो देयर वाज अ साइंटिस्ट जैक काइट रसेल डूलिटिल, दे फाइंड दैट दिस हाइड्रोफोबिसिटी कैन बी major, right, most hydrophobic amino acid are for example isoleucine, है ना, valine then 4.5, most hydrophilic is arginine 4.5, lysine 3.9, है ना, all these are the scale, है ना, they after all the scale of all 20 amino acid has been
prepared by the scientist. ठीक, so you can know कि which one is going to be buried exactly inside and which one is going to be facing the outside. Right, so the more positive value of hydrophobic index, right, what will happen? It means amino acids are located in that region of the protein. Right, so by this scale, what is the benefit? ये benefit क्या है scale का? You can predict कि what kind of transmembrane protein is going to be formed. अच्छा एक क्वेश्चन आता है, हाउ एंजाइम सब्सट्रेट इज गोइंग टू कम, एंजाइम सब्सट्रेट रिएक्शन होता है राइट, देन देयर इज गोइंग टू फॉर्म द एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स. तो पूछा गया है सीएसआईआर में कि हाउ दिस एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इज स्ट्रक्चर्ड, मींस व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्ड, बी आयनिक बॉन्ड, सी इलेक्ट्रोस्टैटिक, मोर देन वन ऑप्शन डी है हाइड्रोफोब, विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलाईजेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक एंजाइम सब्सट्रेट रिएक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोफोबिक, कौन सा आपका होगा? जी सर, क्यों? क्योंकि देखो पहले होता क्या कि व्हेन यू आर सप्लाइंग द सबस्ट्रेट यू आर सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल, ओके, सो दिस वाटर मॉलिक्यूल आर इनहिबिटिंग द इंटरेक्शन विद द एंजाइम, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द वाटर मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेट राइट, एंड देन देर आर वेरियस इंटरेक्शन गोइंग ऑन बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द amino acid of the enzymes, okay. Right, in the active sites. So there are various kind of bonding is possible, like hydrogen bonding, ionic, hydrophobic interactions. So these three basic interactions are there, which are going to stabilize the enzyme substrate formation. Clear? Yes, sir. Okay, it's not. सपोज प्रोटीन तुम आइसोलेट करते हो राइट, एंड यू आर डिजॉल्विंग इन द प्रोटीन सॉरी वॉटर, देन व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ प्रोटीन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है जी सर, यू आर डिजॉल्विंग द आइसोलेटेड प्रोटीन इन वॉटर, दैट विल रिजल्ट इन द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, ये देखो यहां फोल्ड कर गया, यहां पे ओपन था जैसे पानी में डाला ठीक है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, व्हाई हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, बिकॉज देयर इज नॉन पोलर साइड चेन इन द अनफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड, तो दिस इज द नेचर दैट नॉन पोलर साइड चेन विल बी बरीड इन द सेंटर एंड पोलर साइड चेन विल बी आउटसाइड, हाइड्रोफोबिक कोर रीजन, दिस इज कॉल्ड एज द हाइड्रोफोबिक कोर रीजन, and that contain the non polar side chain that will be in the center here and polar side chain will be in the outside aqueous envelope, that result in the proper folding, okay? Yes sir. So what type of interaction are possible in protein folding? All type of interaction is possible in the protein folding, okay? Like ionic bond, hydrogen bond, hydrophobic and van der Waals interaction. चार के चारों involve हैं आपके protein folding. ठीक है? Yes sir. तो अगर ये interaction होते हैं, then the protein is forming the stable complex. अगर ये interaction नहीं होता है, कोई दो होता है चार में से. This will be the less stable complex. जी yes, sir. जैसे वहां पे देखो एग्जांपल में दो है ना इंटरेक्शन, दो ही है, यहाँ पे है ही नहीं है, तो ये लेस स्टेबल, इसमें चारों है तो दिस विल बी मोर स्टेबल, स्टेबल, ठीक है ना? जी सर. तो आज यहीं तक,
ये सारा पढ़ा दिया आपको। कल हम लोग कुछ हाँ बायोमार्कर्स पर ये सारा पढ़ा दिया, हाइड्रोपोविसिटी स्केल भी पढ़ा दिया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ ये हाइड्रोपैथी प्लॉट्स से ये ABCD क्या है, ABCD तो दीज आर द हाइड्रोपोबिक अमीनो एसिड। तो दूसरे साल पूछा गया था इसी क्वेश्चन, कौन सा ABCDE में से पॉसिबल है ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन, तो ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन में ये हाइड्रोपोबिक वाले ही होते हैं। ये सेम आंसर था ABCDE, ठीक है। तो वो चेंज कर देते हैं बॉडी, तो कल हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, थ्री डी स्ट्रक्चर क्या होती है, स्टीरियोइसोमर क्या होते हैं, डाइस्टेरोइसोमर क्या होते हैं, और आजकल इसकी बातें बहुत ज्यादा हो रही है बिकॉज दिस इज द ड्रग्स लेक्साप्रो, जिसको आप पैरासिटामोल बोलते हो, ठीक है ना, पेन किलर है एक तरीके का ये, लेक्साप्रो इज मोर इफेक्टिव देन सिलेक्साफाइड, इस पे भी कल हम लोग जानेंगे। और स्टेडी स्टेट कैसे मेंटेन होती है, पॉलीमर मोनोमर के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइसैकेराइड, देयर फंक्शन, है ना, मतलब ये पूरा आपका देखेंगे बायो मॉलिक्यूल्स। तो कल थोड़ा पढ़ के आइएगा, इस पे थोड़ा क्वेश्चन भी करेंगे, एंड देन टेस्ट होगा संडे को ऑन द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, जी सर, ठीक है जी सर। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन एंड द लेक्चर। पूछना है नहीं सर, ठीक लगा लेक्चर, समझ आई? यस सर, समझ आ गया। चलो थैंक थैंक यू सर जी, चलो गुड नाइट, बाय।